भादसोड़ा कस्बे में भव्य चतुर्मास के अवसर पर जैन संत रितेश मुनि मासा एवं प्रभात मुनि मासा के सानिध्य में श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ भादसोड़ा की ओर से भव्य आयोजन त्रय गुरु भगवंतों का गुणानुवाद महोत्सव एवं सामूहिक तेला तप पाड़ोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गौतम स्वामी जैन भक्ति ग्रुप उदयपुर डायरेक्टर श्रीमती परमिला राका, संचालिका श्रीमती रजनी मेहता एंड पार्टी ने गुरु गुरुदान की भक्ति सरिता बहाई, जिसमें आवड़ो पड़ेला अवेश गुरु आवड़ो पड़ेला, हम तुम्हारे थे गुरुवर हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर आदि कई भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने भजन संध्या का आनंद लिया एवं भाव विभोर होकर नाच उठे। भजन संध्या के दौरान श्रावक श्राविकाओं को कूपन दिए गए, कूपन के आधार पर ड्रा निकाले गए, जिसमें कई श्रोताओं को पारितोषित मिला। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष सहित समाज के युवा मंडल के सदस्यगण व कस्बे के महिलाएं एवं पुरुष भजन संध्या में उपस्थित रहे। महापुरुषों की जयंती का, दीक्षा जयंती का, जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजन हुआ। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि महाराज साहब मेवाड़ बोर्ड तक, पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि महाराज साहब पथिक, श्रमण संघीय सलाहकार गुरुदेव श्री राममण जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों का आज महोत्सव था, गुणानुवाद था। साथ ही समाज को और भगत जनों को इनके गुणों से गुण ग्रहण करने चाहिए। महापुरुष जो होते हैं वो गुणी होते हैं, उनके गुण लेने से श्रावक भगत भी गुणी बन जाते हैं, भक्ति के मार्ग पर उनकी भी भावनाएं बन जाती हैं। जैसे गुरु भगवंतों ने त्याग किया, वैराग्य को अपनाया, तो ऐसे ही जो भी सन्यासी हैं, मुनिराज हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, वो सब ऐसे ही पहले के गुरु भगवंतों से या जो उनके सामने गुरु भगवंत हैं उनके गुणों को ग्रहण करके धीरे धीरे वो भी सन्यास मार्ग पे भी आ जाते हैं, साथ साथ धर्म के मार्ग पे आ जाते हैं और समाज महामुनियों से एवं ऐसे महापुरुषों से ऐसे प्रसंगों से एक संदेश लेता है कि हम भी महापुरुषों के गुणों को अपनाकर अपना जीवन ऐसा महान बनाएं। महापुरुषों का जीवन आदर्श में होता है, महापुरुषों का जीवन कल्याण के लिए होता है, गुरु भगवंतों का जीवन एक प्रेरणादायक होता है, तो उनसे समाज प्रेरणा लेता है, देश भी शांति के संदेश लेता है। ऐसे प्रसंग से ही जीवन आगे बढ़ता है, तो हम ऐसे महापुरुषों की जयंती से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारा भी जन्म सार्थक हो, जीना सफल हो। जैसे आज ऐसे गुरु भगवंतों की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे हर एक का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, पर उनके परिवार वाले ही एक सीमित रूप से जन्म जयंती मनाते हैं, उनके जन्म का होना सार्थक करते हैं, तो वो अपने जन्म को इससे प्रेरणा ले सकते हैं, वो भी अपना जन्म ऐसे सार्थक करें कि समाज के अंदर प्रेम का वातावरण बने, अन्य समाज भी मुनियों के बारे में जाने और सारा देश मुनियों के प्रति श्रद्धा भक्ति भावना लाए। और आज के समय में वातावरण को देखते हुए हमारे जितने भी संत हैं, सच्चे साधु हैं, त्यागी वर्ग है, सन्यासी महात्मा है, उनका त्याग बढ़े, वैराग्य बढ़े और सभी के ऊपर, भक्तों के ऊपर उनका शुभ मंगल में आशीर्वाद बना रहे, यही शुभ आशीर्वाद है। आज जो तेल तपस्वी बालिकाओं ने या महिलाओं ने कितने तेले और का फॉलो किया है इसको हमने? हाँ, हमारे बासोड़ा से आज करीब 70 तेले हुए हैं, 70 के आसपास तेले, 70 ये पूरे, और बाहर से जो आसपास के गांव से, उदयपुर, भीलवाड़ा, सुरपुर, आस के आसपास के गांव से जो तेले हैं, 200 से ऊपर भी तेले हैं, बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं तेले लेकर के, तपस्या होने के कारण समाचार कह दिए कि बाबा जी हमारे यहाँ पे 10 तेले हुए, 15 तेले, 50 तेले हुए, आसपास से भी जो तेले हुए हैं करीब 200 से ऊपर तेले इस प्रसंग पर हुए महापुरुषों के निमित्त से, तो उन्होंने तेले किए हैं। और उनके जो तेला करने का लक्ष्य है वो यही है कि गुरु भगवंत, जिन गुरुओं के आशीर्वाद से तपस्या हुई है, वो गुरु भगवंत भोले बाबा मदन मोहन महाराज साहब दीर्घायु हों और मेवाड़ में क्या पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अपना वरदस्त आशीर्वाद बरसाते रहे। इसलिए तेले किए, तपस्या किए, ताकि वो स्वस्थ रहे और अपने भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। तपस्या के द्वारा हमने उन्हें एक अपनी श्रद्धा, एक अपनी भक्ति का समर्पण किया है, अर्पण किया है।
subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.